स्वागत है आपका ज्ञापन अकेडमी के इस वीडियो में। और यह वीडियो नॉन हिंदी का है जो कि लेसन 3 है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के एग्जाम के लिए। जो इस लेसन में लेसन काफ़ी मोटिवेटेड रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें कर्म के बारे में बात किया गया है कि जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं, ठीक है, जो अपने काम के प्रति काफ़ी रुचि होते हैं, वो किस तरह से सफल हो जाते हैं। यानी कि काम में सब लोग चाहते हैं कि हम सफल हों, लेकिन कौन लोग आखिर सफल होते हैं इसके बारे में बताया गया है कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, काम को दिलो जान से करते हैं और अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं कि इस काम को पूरा करके ही मानेंगे, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, वही व्यक्ति कर्मवीर व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, तो यह एक कविता है जिसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरी औध। ठीक है, ये देखिए 10th के एग्जाम में ये सब भी पूछा जाता है, ठीक है, कि जो कर्मवीर है इनके लेखक का नाम पूछ देगा, या फिर बोले अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई, या पूछ देगा कि जो ये कर्मवीर है ये क्या है, कविता है कि निबंध है। ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। देखिए इस कविता में क्या बोले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। यानी कि अगर आप कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, सच्ची श्रद्धा और भावना रखते हैं, ठीक है, तो आप ही सफल बनेंगे। अपने कर्म से आप मजाक कीजिएगा, लाइफ आपके साथ मजाक कर देगी। ठीक है, यानी कर्म के प्रति आप सच्चा रहिए, कभी भी आलस अंदर नहीं आना चाहिए। यहां देखिए, बधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। अगर परेशानी कोई काम में आ रहा है तो ये नहीं समझे कि गॉड यही चाहते हैं कि परेशानी आ जाए, इस काम को छोड़ दे, फिर दूसरा हम लोग काम करें, ऐसा नहीं है। जब परेशानी आएगा, बहुत सारा जब प्रॉब्लम आएगा, तो समझिए कि आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। ठीक है, बहुत मतलब आप सफल होने वाले हैं। ठीक है, मतलब यहां लिखा है कि बधाएं व्यक्ति को निखारने का काम करती है। ठीक है, कविता बधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। यह कविता उन कर्मशील व्यक्तियों के लिए बोला जा रहा है जो बहुत सारी परेशानियों को जूझ करके और आगे उन्होंने सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया है, जो नए तरीके से इतिहास को रचे हैं। जिन व्यक्तियों को बहुत सारी परेशानियां आई है, बहुत ज्यादा मुसीबत है, और उस मुसीबत से वो डरे नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते गए हैं, वही इंसान जाकर के इतिहास रचा है। और आज इतिहास में हम उन्हीं लोगों को पढ़ते हैं जिसके पास बहुत सारी परेशानियां हैं। और जो लोग फ्री हैं, किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, वो तो वैसे भी फ्री हैं, कोई तो पूछने वाला है नहीं। ठीक है, इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर के पास परेशानी आता है और उस परेशानी को वो सामना कर लेता है, ठीक है, और फिर आगे बढ़ता है, ठीक, वही इतिहास रचता है। यहां देखिए कहानी में देखिए कैसे है, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न, घबराते नहीं, राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। याद रखिएगा कि जो कर्मवीर लोग होते हैं, जो अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, ठीक है, उनके पास विविध प्रकार का, विविध मतलब बहुत प्रकार का विघ्न आएगा, यानी कि बहुत प्रकार का परेशानी बाधा आएगा, या देख करके कर्मवीर घबराते नहीं और भाग के भरोसे नहीं रहते हैं कि हमारे नसीब में यही लिखा था, ठीक है, तो यही मेरे साथ हो गया, ऐसे नहीं। ठीक है, यानी रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, और ये हमारा दुख लिखा है, छोड़ो जो हुआ सो हुआ, नहीं, अगर परेशानी आई है तो परेशानी से भागना नहीं है, नहीं तो जितना भागिएगा परेशानी उतना पीछा करेगी। परेशानी से डट के मुकाबला कीजिए, जब उसको डट के मुकाबला कीजिएगा परेशानी कमजोर पड़ेगा और वो खुद वहां समाधान निकल जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम के आसपास ही समाधान होता है। इंसान के जिंदगी से बड़ा परेशानी नहीं है, इसी जिंदगी में तो परेशानी आता है, तो जिंदगी से तो बड़ा हो नहीं सकता। तो जब तक जिसमें जान है परेशानी से लड़ना है। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। याद रखिए, काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, कभी वो उकताते नहीं है, यानी कि उब जाए, ठीक है, और भीड़ में उस चंचल नहीं बन जाते कि बहुत ज्यादा काम करते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोग आ जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग लगते हैं शो करने उनको, ये काम करो वो काम करो, अपने आप को ज्यादा एक्साइटेड मतलब उन लोगों को दिखाते हैं ताकि लोग उनको देखें कि वाह बहुत अच्छा काम करता है। ये कर्मवीर व्यक्ति की निशानी नहीं है। ठीक है, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में ये ही मिले फूले फले। और एक आन की बात आ जाए तो वहां पे देखिएगा कि उनके बुरे दिन भी भले हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा बात हो जाए,
कोई आपको कुछ बोल दे, अगर आप उसको सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, ऐसे ही व्यक्ति आगे चलकर फूल फल जाते हैं, यानी खुशी से रहते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। यहां ध्यान दीजिएगा कि जो आज करना है उसको वो आज ही कर लेते हैं। जो कर्मवीर व्यक्ति हैं अपने कर्म के प्रति काफी निष्ठा रखते हैं, सच्चे मन से किसी काम को सोच करके करते हैं, ठीक है, वो ठान लेंगे तो आज ही करते हैं, ठीक है। और सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते वही, और जो सोचते हैं ना वही कर दिखाते हैं। अब वो सोचते हैं, किसी को बताते नहीं कि हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, नहीं, जो मन में सोच लिए वो मन ही में उस काम के प्रति प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, वो तो मानते हैं अपने मन का, जी मतलब मन होता है, अपने जी का ही मानते हैं, सुनते हैं सबका, करते हैं अपना वाला। क्योंकि लोग राय देते हैं, आपके रिलेशन में भी बहुत लोग आएंगे, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, इस चीज का तैयारी करो, उस चीज का तैयारी करो, पूरा का पूरा घर पे जॉब ही रख देते हैं, ठीक है। लेकिन कर्मवीर व्यक्ति सब बात को सुनते हैं ताकि उनको भी बुरा नहीं लगे, और करते हैं जिस चीज पर फोकस है कि हमको इस काम में सफल होना है। यहां देखिए, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, ठीक है, जो इस जगत में, इस दुनिया में खुद अपने आप ही खुद हेल्प लेते हैं, दूसरों का सहारा नहीं लेते हैं, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर्ज से सकते नहीं, और दूसरों का मुंह नहीं देखते हैं कि कोई आएगा तो हमको कुछ कोऑपरेट करेगा, ठीक है। इस दुनिया में कोई किसी का मदद नहीं करता है, खुद का मदद खुद से करना पड़ता है, खुद के परेशानियों का सोल्यूशन खुद से निकालना पड़ता है, क्योंकि अपना परेशानी दूसरे को बताने से वो आपका सिर्फ मजाक बनाता है और वहां कुछ नहीं बनता है, ठीक है, सिर्फ मजाक बनता है। तो खुद के अंदर अपने परेशानियों को सोल्यूशन निकालिए, समाधान कीजिए, देखिए शायद आपके जिंदगी में बहार और खुशियां साथ में आएगा, ठीक है। यहां देखिए, और यहां पे तीसरा है, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, जो अपने समय को यूं ही बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है, काम को, काम करने की जगह बातें। आज जो व्यक्ति काम करने की जगह बात नहीं बनाता है, ये नहीं कि कोई काम, कर्मवीर व्यक्ति का ये सब गुण है ही नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई काम मिल गया, ठीक है, तो उस चार आदमी आ गए अगर, तो उसमें बात बनाने में समय नहीं बर्बाद करेंगे, अपने काम के प्रति अगर वो जागरूक है तो वो सिर्फ बात नहीं, सिर्फ काम करेंगे, ठीक है। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। और जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो काम करने के लिए, मतलब ये दिन नहीं गंवाते हैं, ठीक है, कि आज करेंगे कल करेंगे, ठीक है, वो प्रयास में लगे रहते हैं। यत्न का मतलब होता है प्रयास, ठीक है, यत्न करने में कभी जी नहीं चुराते हैं, प्रयास करते रहेंगे, कभी तो वो काम पूरा होगा, ठीक है। ये इसमें लिखा गया है, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूने आप बन जाते हैं औरों के लिए। और याद रखिए, ऐसे व्यक्ति जो काम के प्रति जी नहीं चुराते हैं तो गांव में भी लोग उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि बहुत अच्छा काम करता है, जो सोचता है वही करता है, आपका अच्छा तारीफ भी लोग काफी करते हैं, ठीक है। तो ये बोला है कि वे नमूने आप बन जाते हैं औरों के लिए, और ऐसे कर्मवीर व्यक्ति आप भी बन जाते हैं दूसरों के लिए, जब अपने काम कोई अपना एम बना लिए कि इसमें हमको सफल होना है। काम कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, तरीका अलग अलग होता है। अगर आप फेलियर उसमें हो जा रहे हैं, इसका मतलब उस काम में कहीं तो आप मिस्टेक किए हैं। सफल बनना है तो उस मिस्टेक को जान करके उस असफलता को सुधारिए कि हम किस वजह से असफल हुए हैं, ठीक है, और उस कमी को निकालिए, फिर उसी काम को आगे बढ़ाइए, जरूर आप सफल होंगे। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, ठीक है। बहुत सारी, मतलब चिलचिलाती धूप यहां जो लिखा है सेंस समझिएगा, बहुत सारी परेशानियां आएंगी जिससे आप उबेंगे, चिलचिलाती धूप की तरह, एकदम गर्म धूप की तरह, लेकिन उस परेशानी में भी अगर आप उस परेशानी को अगर बहुत आसान तरीका से ले करके और उसे समाधान में बदल सकते हैं और उससे सफल हो जाते हैं, ठीक है। अगर काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, कर्मवीर व्यक्ति काम पड़ने पर कितना भी भारी काम क्यों ना हो, शेर का सामना करना मतलब बहुत ही मुश्किल काम करना ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो काम करने अगर ये भी कंडीशन आ जाता है तो उसका भी सामना कर लेते हैं कर्मवीर व्यक्ति। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं, जिनके हैं भी जिनके हैं जी में यह ठान। सुनो,
जो व्यक्ति बहुत ही मुश्किल काम कर लेता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल काम, उनके लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, अगर उसको मुस्कुरा के हंस करके, लोहे के चने चबाने का मतलब कठिन काम करना, यानी कि अगर उसको हंस करके उस काम को सिर्फ निपटा दिए, ठीक है, तो दुनिया में उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और याद रखिएगा, दुनिया में वही सफल बन सकता है जो उस, मतलब उसके जिंदगी में खूब ज्यादा परेशानी आई हो और उस परेशानी को वो हंस के और इग्नोर करते गया, उसको समाधान करते गया, तो जिंदगी में कभी वो आगे बढ़ने से उसे कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जिम्मे ठान, और उनके लिए कठिन कुछ भी नहीं जो अपने मन में ठान लिया कि इस काम को सफल बना देना है। कहा जाता है कि अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अगर आप मान लेते हैं कि यार यार ये नहीं होगा तो सही में आपसे वो नहीं होगा, लेकिन ठान लिए कि यही हमसे होगा तो आपको छोड़ के तो दूसरा कोई नहीं करेगा, क्योंकि ठाने आप हैं, ठीक है। जिद बना लीजिए, जिद होना चाहिए। कोश कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गाड़ जिनको खुल सकते नहीं। कितना भी कोश चले जाए वो कभी नहीं थकते हैं कर्मवीर व्यक्ति, ठीक है, और दुनिया की सारी परेशानियों का गांठ को खोल सकते हैं। यानी कि दूसरे लेयर में, काम को आरंभ करके यू नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। यानी कि कह रहा है कि काम को शुरू करके वो कभी बीच में नहीं छोड़ के जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, और कभी भी यानी कि किसी भी काम से वो मुंह नहीं मोड़ते हैं, उस काम को पहले सफल करते हैं, सफल बनाते हैं, उसको सही से करते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। यानी कि जो गगन का फूल मतलब आकाश में, इसका मतलब गगन का मतलब होता है आकाश, यानी कि जो अपने ऊंचाइयों का मतलब जो भी लक्ष्य है, ठीक है, उसको बातों से सिर्फ बात बना के उसका इग्नोर नहीं करते। बहुत सारा लोग ऐसे भी होते हैं, गांव में हम लोग देखे भी होंगे कि बोले हैं कि अगर तुमको कोई उसको टारगेट दे तो बोलते हैं ये तो बहुत आसान है, इतना वो बात करेगा उस काम पर, उससे वो काम नहीं हो सकता है, लेकिन बात को बनाएगा, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होता है, ठीक है। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, और करोड़ों की संपदा जो होता है वो अपने मन से जोड़ते नहीं कि ये करेंगे वो करेंगे, बस एक लक्ष्य उनके अंदर होना चाहिए। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है, हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। और ऐसे कर्म व्यक्ति जो बात नहीं सिर्फ कर्म पर विश्वास रखते हैं, उनके हाथ में कोयला भी दिया जाए ना तो उसको भी वो बहुमूल्य हीरा की तरह बना सकते हैं, ठीक है। अभी बोले कि कोई भी काम जो होता है छोटा और बड़ा नहीं होता है, बस तरीका अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कर्मवीर व्यक्ति को कुछ भी दे दो उसी से वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उस काम में उसको रुचि है, और उस जब काम में रुचि, अपने कर्म के प्रति वो ईमानदार है तो उस काम को काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। उसके हाथ में अगर कार्बन भी है, कार्बन का मतलब कोयला भी है, तो उसको वो हीरा बना सकता है। कांच को करके दिखा देते हैं उज्ज्वल रतन। उज्ज्वल रतन का मतलब कीमती, बेस कीमती समझ लीजिए, कोई रत्न है, ठीक है। और वो कांच को भी अपने मेहनत के दम पर, ठीक है, उज्ज्वल रत्न बना सकते हैं। कौन? कर्मवीर व्यक्ति। पत्थरों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुस्थल में नदियां बहा देते हैं वे। याद आ रहा होगा इस पत्थर को काटने से, माझी द माउंटेन मूवी आप देखे होंगे, दशरथ माझी, जिन्होंने अकेले ही मतलब उनके अंदर उन्होंने ठान लिया था इस पत्थर को तोड़ के रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उन्हीं का ये डायलॉग है, ठीक है। तो यहां पे पत्थरों को काट करके ही सड़क, देखिए जुनून एक जगाने वाला चाहिए, उनके अंदर जुनून था, किसी भी वजह से जुनून जगा, उनको अपने पत्नी की वजह से जुनून जगा, लेकिन वो जुनून हमेशा बरकरार रहा, जब तक वो तोड़े नहीं तब तक वो काम छोड़े नहीं, ठीक है। तो कर्मवीर व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, और सैकड़ों मरुस्थल को नदियां बना के मतलब वहां से पानी बहा सकते हैं। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। यानी कि जमीन के यानी गर्भ में जल राशि का बेड़ा मतलब समझिए नाव वगैरह, ठीक है, उस जल में भी देखते हैं बहुत सारा मुश्किल काम कर देते हैं, या मुश्किल काम से ही सेंस निकलता है, ठीक है। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं, यानी कि गर्भ में जमीन के अंदर भी वो जहाज को चला सकते हैं, जल कुंड में जो भी होता है, ठीक है। और जंगलों में भी वो
महामंगल रचा देते हैं, यानी जंगल में भी खुशियों का सौगात ला सकते हैं, यानी कि ये नहीं कि जंगल है तो यहाँ कोई नहीं रह सकता, वहां भी ये अपने कर्म के बदौलत ठीक है वहां पे भी वो खुशियां ला सकते हैं, वहां पे भी उसको सजा सकते हैं, वहां भी एक घर खूबसूरत स्वर्ग जैसे घर का निर्माण कर सकते हैं। वेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बदला दिया। अब देखो भेदना मतलब होता है किसी चीज को काम में सफल हो जाना, ठीक है, उस काम को पूरा कर देना, मतलब भेदना। नभ और गगन की ऊंचाइयों को बहुत लोग भेद लिए हैं, ठीक है, यानी कि बतला दिए हैं कि दुनिया में कोई काम कठिन नहीं है। बहुत पहले लोग ये भी तो सोचते हैं कि काश हम उड़ते, ये भी लोग सोचते हैं। आज देखिए कभी ना कभी नभ को यानी कि आसमान को भी मतलब भेदने वाला कोई चीज बना दिया गया कि नहीं। जहाज से हम लोग जाते हैं, बहुत कम समय बहुत दूर चले जाते हैं, वो भी मतलब हवा के माध्यम से यानी उड़ करके हम लोग चले जाते हैं। एक तरह से पुराने लोग तो कभी सोचे भी नहीं होंगे, तो ये कर्मवीर व्यक्ति ही कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने ही निकाल ली तार की सारी क्रिया, और उन्होंने ही तो सब तार की सारी क्रिया, कौन, सिर्फ कर्मवीर व्यक्ति जो अपने कर्म के प्रति कभी हटे नहीं है। अगर वही बार बार फेल होने के बाद से ठीक है अगर उस काम को छोड़ दिए रहते तो ना ही कभी जहाज बनती और ना ही कभी हम लोग उड़ पाते, ठीक है। तो ये कर्म के प्रति निष्ठा ही उन्हें आगे बढ़ाया है। यहां देखिए कर्म स्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहां, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव है वहां। देखिए कर्मवीर व्यक्ति कभी ये नहीं पूछते कि कौन सा काम हमको करना चाहिए, ठीक है, वो खुद से मेहनत करके कर्म को अपना ढूंढ लेते हैं कि उन्हें कौन सा काम करना चाहिए, और वो असंभव जो होता है उसको संभव बना लेते हैं। जो व्यक्ति के अंदर जुनून होता है वो सबसे आसान काम नहीं ढूंढने का, मेरे से कौन सा काम मुश्किल है देखते हैं और चलते हैं मुश्किलों से लड़ने, ठीक है, उसको लड़ने में मजा आएगा। जब वो असफल होगा तो उसे बुरा नहीं, खुशी होगा, अरे यार ये काम हमको हरा दिया, उस काम को पूरा जब तक करेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है, और सफल बनाएगा। यहां देखिए उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। और जैसे जैसे बार बार उन्हें उलझने मिलेगी नया नया तरीका से, तो उन्हें और उत्साह बढ़ेगा, इसको नया तरीका से अब सॉल्व करेंगे। इन्हीं की भाग जाए, कभी कभी टफ क्वेश्चन मिल जाता है तो बे यार बहुत भारी है, लेकिन ऐसे लोग ऐसे नहीं करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि वाह इतना बहुत मजेदार क्वेश्चन है, उसको अलग तरीका से सॉल्व करते हैं, अलग सोच करके। जब तक कुछ अलग नहीं सोचेंगे ठीक है उस सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो यहां वही लिखता है कि जब भी मुसीबतें आती हैं तो इनको अच्छा लगता है, अब इसका समाधान देखो करते हैं, क्योंकि लाइफ में परेशानी तो आएगी। यहां देखिए डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। और विरोधी लोग, जब जब आप अच्छा काम कीजिएगा, और आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप सफलता की राह पर चलेंगे आपका विरोध करना लोग शुरू हो जाए, मतलब लोग विरोध आपका करेंगे ही करेंगे, बीच में अड़चने डालेंगे कि ये सफल नहीं हो, तो समझिएगा कि आप सफल हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानी आएंगी, उस परेशानी सबको इग्नोर करके, सबको भूल करके, सबको टाल करके, ठीक है, और वे जगह से काम अपना और उस काम को पूरा करना है। देखिए जब आपके लिए हजारों लोग हारने का इंतजार कर रहे हो और उस समय जो लोग आराम से बैठे हुए हैं कि आप हारिएगा बहुत मजा आएगा, ये बंदा हारेगा, ठीक है, और उस समय जब आप जीत का झंडा गाड़िएगा ना, ठीक है, तो आपको जो अंदर से खुशी होगा ना उसका जवाब नहीं, क्योंकि सारे लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे थे और आपने अपना झंडा गाड़ करके सबके मुंह पे ताला लगा दिया। अब देखिए सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले। जिस जहां पे बुद्धि है, विद्या है, धन है, विभव है, जितना भी संपत्ति बोला जाता है, संपत्ति है, ठीक है, ये लोग कर्मवीर के बदौलत ही ये सब होता है। कर्मवीर व्यक्ति बस बुद्धि विद्या धन विभव धन संपत्ति जहां डेरा डालता है, ठीक है, सब देश वही फले फूले हैं जहां कर्म होता है, काम के प्रति निष्ठा रखता है। अगर आप काम से लापरवाही कीजिएगा तो लाइफ आपके साथ लापरवाही करेगी। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे ऐसे सपूतों के पले। और उन्हीं के तो बनाने से, कर्मवीर व्यक्ति के ही तो बनाने से आज हम लोग इस मुकाम पर है कि टेक्नोलॉजी कितना आगे चला गया। टेक्नोलॉजी को हम लोग देख सकते हैं, पहले अगर फोन आ जाता था, टेलीफोन, तो एक आदमी के घर रहता था तो जाना पड़ेगा बुलाने दूसरे को कि जाओ उसके लिए फोन आया है। आज देखिए कर्मवीर व्यक्ति क्या करें,
उन्होंने मोबाइल फोन का भी आविष्कार किया, ठीक है, और आज मोबाइल पर सबके पास फोन है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा नहीं है कि मोबाइल बनाने में लोग फेल नहीं हुए, बहुत बार फेल हुए हैं, ठीक है, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक ऐसा यंत्र बना ही दिया, ठीक है, जो कि सबके पास है और वह कहीं भी बात कर सकता है, कहीं भी फेस टू फेस उसको देख सकता है। पहले चिट्ठी ही चला करता था, ठीक है। यहां देखिए, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। और जब लोग ऐसे जन्म लेंगे, ठीक है, ऐसे ही कर्मवीर लोग, तभी और जाति, नीचे जाति, पिछड़ी जाति, जितना भी जाति है, उन लोगों का भला हो पाएगा। कब? जब ऐसे कर्मवीर व्यक्ति जो अपने काम से कभी घबराए नहीं, अपने परेशानियों से दूर जाए नहीं, अपने परेशानियों को समझे कि ये बहुत सुनहरा मौका मिला है हमें कुछ सीखने का, ऐसे व्यक्ति जिंदगी में कभी भी नहीं हारते हैं और वो हमेशा कभी ना कभी सफल होते हैं और वो सफलता पूरी दुनिया देखती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको समझ में आया होगा और ये बहुत ही आपके लिए, मतलब देखा जाए तो मोटिवेशनल कहानी रहा, मतलब एक हम इसको कहानी के रूप में बताएं, यह एक कविता है। तो इसमें हम क्वेश्चन भी, जो भी क्वेश्चन होगा इसमें 4-5 क्वेश्चन कुछ आपको मल्टीपल चॉइस दे देंगे, इसको आप देख लीजिएगा और फिर मिलेंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद।